हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे नायरा कट फ्रॉक। तो इसके लिए हमने 2 मीटर यॉन का फैब्रिक लिया है। इस अपर बॉडी के लिए हमने पहले से इसमें कपड़ा कट कर लिया है। 40 इंच ये लंबा है और 15 इंच ये चौड़ा है। इस तरह हमें इसे फोर फोल्ड करके रख लेना है। ये इसकी लेंथ है 15 इंच और इसकी विड्थ है 40। तो इसे 4 इंच में पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, फिर हम अपने आमूल का निशान लगाएंगे और इसे मिला देंगे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बस का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, फिर वेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। इस तरह हमें पूरे निशान को मिला देना है। फिर 1.5 इंच पे लगाएंगे आमूल का निशान, 1/2 इंच पे एक बैक का होगा, एक फ्रंट का, और ये सारे निशानों को हम एक साथ इस तरह मिला देंगे। अब हम सेम इसकी तरह कटिंग भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने राउंड नेक बनाया है, यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम अपने नेक का भी निशान लगाएंगे। इस तरह हमने पूरा इस तरह इसको काट कर लिया है। पहले बैक का, फिर 2 पल्ला हटा देंगे, फिर फ्रंट का। इस तरह फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी हमें कर लेनी है। चले जी, हो गया कटिंग इसका। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फिर से इस तरफ फोल्ड करके रखा है। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पे। बैक का नेक होगा 4 इंच गहरा और फ्रंट का होगा 5 इंच। इस तरह हमें राउंड शेप दे देना है और हम सेम इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और हम इसी तरह फ्रंट के भी नेक की कटिंग कर लेंगे, बस वो 1 इंच गहरा रहेगा। अब ये जो जितना भी कपड़ा बचा उसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी पूरी लेंथ हमने ली है। अब हम ये जितना भी है सारा चुन में चला जाएगा और इस तरह हम इसकी कटिंग करके इसके 2 पार्ट में बांट देंगे। कुछ इस तरह से जब हम इसमें चुन डालेंगे तो इस तरह फ्रॉक दिखेगी। इस तरह हमें 1-1 इंच की एक एक प्लेट्स डालनी है पूरे में, तो इस तरह दिखेगा। अब हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। 9 इंच लिया है। अब हम यहाँ से 3 इंच डाउन जाएंगे और शेप दे देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है। इसको इस निशान में मिला के अब यहाँ से हम एक शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम इसे स्लीव को खोल के रखेंगे। फ्रंट की स्लीव को थोड़ा गहरा कर लेंगे जिस तरह हमने निशान लगाया है। ये देखिए, ये हो गया। अब हम चलिए फ्रॉक को सिलते हैं। सबसे पहले हम अपर बॉडी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने नेक पहले फिनिश करनी है। इस तरह हमने 22 टेप की एक पट्टी ली है और राउंड नेक को इस तरह फिनिश करके नोचेस लगा के रॉन्ग साइड टर्न कर देना है। दोनों नेक को हमें इसी तरह तैयार करके पीछे पलट देना है और इस तरह इस पर दूसरी बॉडीज को रख के शोल्डर अटैच कर लेनी है। तो ये हो जाएगा, दोनों शोल्डर को हम सिल देंगे। फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड इसकी फिटिंग लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसमें हमें स्लीव अटैच करनी है। स्लीव के लिए हमने इसके यहाँ पे हेम लाइन पे इसकी फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। स्लीव कुछ इस तरह लगाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव को सीधा रखेंगे और अपने कुर्ती को उल्टा रखेंगे और इस तरह इसमें मिला देंगे। दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के पिन लगा लेना है। पूरे में पिन लगा के पूरे में हम गुलाई से इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड भी ऐसे ही तैयार करना है। अब हम क्या करना है, ये घेरा लेना है। अब हम इस पर पहले चुन लगाएंगे। इसके दोनों साइड को हमने पहले सिल दिया है
अपर बॉडी को इसके अंदर डाल देना है और दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए पहले पिन लगा लेना है। देखिए जी, कुछ इस तरह ये वाली सिलाई और हमारे फ्रॉक की जो दूसरा पार्ट है उसकी सिलाई को इस तरह मिला के पिन लगा लेना है और फिर पूरे में चुन देते हुए हम पिन लगा लेंगे। इस तरह एक एक इंच का चुन देंगे, अपने फ्रॉक के साथ इसे हम अटैच करते जाएंगे। कुछ इस तरह बन के आएगा। अब हम बस क्या करना है, सेम इस तरह इस पे जाके बस सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद हम अपने हेम को फिनिश करेंगे, नीचे फ्रॉक के घेरे को हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, सिलाई लग गई है, तो देखिए कुछ इस तरह ये फ्रॉक बन के तैयार होगा। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। बाय।